Dear students, Assalamu alaikum today we started the lecture on type of vector for class first year so in the previous lecture we also did discuss about the types of vector but here we discuss the remaining type of vector so we have first one is नेगेटिव इन वेक्टर दैट हाउ यू कैन ट्रम हाउ यू कैन डिफाइन दम नेगेटिव वेक्टर, सो इट कैन बी रिटर्न एज ए वेक्टर ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में अपोजिट हो इज डेटा गेवन वैक्टर नेगेटिव वेक्टर हम इसको कहते हैं वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो हो सेम होना चाहिए मगर उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर मीन्स ए वेक्टर उज मैग्नीट्यूड सेम या ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट इज डेटा ऑफ गिवन वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए मगर इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए इस वेक्टर को हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर सो so हेयर प्लेस आई रिटर्न द ए एज लेंथ टू सेंटीमीटर एंड आई रिवर्स दिस वेक्टर ए इन द डायरेक्शन सो ए विच इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर ये प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमें जो है नल वेक्टर मिल जाएगा ए वेक्टर एंड ये जो हमारे पास नीचे वाले ए वेक्टर है ये दोनों आपस में नेगेटिव है अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन माइनस टेन इजिक्वल जीरो बन जाएगा सिमिलरली हुई द नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर टू वेक्टर्स आर सेट अब इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इक्वल वैक्टर दो वैक्टर्स को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब दोनों वेग्निट के मैग्नीट्यूट के मैगनी मैग्नीटूर भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए टू वेक्टर्स आर सेट भी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूट सेम डायरेक्शन अगर दोन दो वेक्टर्स को हम इक्वल तब कहेंगे जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूट और डायरेक्शन सेम होना चाहिए हमने क्या किया हमने ए वेक्टर लिख लिया इसके नीचे से बी वेक्टर लिख लिया इन दोनों वेक्टर का मैग्नीटूर भी सेम है इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है फिर हम ए वेक्टर और बी वैक्टर को कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो वी आफ थर्ड वेक्टर इस पेल वैक्टर टू वेक्टर्स आर सेट वे पेल इफ हैव मैगनेट डिफरेंट डायरेक्शन सेम बच्चों किसी भी दो वेक्टर्स को हम पेल तब कहेंगे जब दोनों वेक्टर का मैग्नेट डिफरेंट होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए मीन्स टू वेक्टर्स आर सेट वेल इफ़ दे देव मैग्नेट डिफरेंट डायरेक्शन सेम हमने क्या क्या हमने यहाँ से ए वेक्टर लिख लिया इसके नीचे से बी वेक्टर लिख लिया अगर आप इन दोनों वेक्टर को देखोगे देखोगे तो दोनों की लेंथ तो डिफरेंट है साइज तो डिफरेंट है मगर दोनों की डायरेक्शन सेम है फिर तो इन दोनों वेक्टर को हम नाम देते हैं सो डियर स्टूडेंट्स हैव द थर्ड वेक्टर इज so <coughs> एंटीपेल वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हैव ए मैग्नेट चैन ब डायरेक्शन अपोजिटिव दो वेक्टर्स को हम एंटी पेलेट वैक्टर तब कह सकेंगे जब दोनों वेक्टर का मैग्निटो चैनज होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा मीन्स टू वेक्टर्स आज सपोज टू बी एंटी पेल वैक्टर इफ दे हैव मैग्नेटर चैन डायरेक्शन अपोजिटिव या इट कैन बी डिफेंड एस ए वैक्टर किया इसका डायरेक्शन इस साइड है इसके अपोजिट हमने बी वैक्टर ड्रा किया इसका डायरेक्शन इसके रिवर्स में है ये दोनों वक्टर्स एंटी पिल्ल हैं इसलिए एंटी पिल्लेल है क्योंकि दोनों का मैग्नेटूट तो चेंज है मगर दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है इसके लिहाज से हम ए वैक्टर और भी वेक्टर दोनों को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं सो वी हैव द लास्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर इट इज द नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट अगर सारे नंबर्स का अगर सारे नंबर्स का इनिशियल पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे होगा फिर इन सारे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं को वेक्टर डेस्टोर को इनिशियल वैक्टर का मतलब यह है कि वैन द नंबर ऑफ वैक्टर वैन द नंबर ऑफ वैक्टर हैविंग फर्स्ट पॉइंट आर स्टार्टिंग पॉइंट एट वन पॉइंट आर नोन को इनिशियल वैक्टर नंबर ऑफ वैक्टर हैविंग कामन इनिशियल पॉइंट अगर सारे नंबर वेक्टर्स की इनिशियल पॉइंट एक जगह पे होगा फिर इन सारे वक्टर्स को हम नाम देते हैं को इनिशियल वैक्टर ले सपोज हमने यहाँ से एक डायग्राम ट्राई किया ले बच्चों देख लें ये जो हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट है ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है हमारे पास जो ए वेक्टर है इसका भी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे फिक्स है हमारे पास जो बी वेक्टर है इसका भी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे फिक्स है फिक्स है हमारे पास जो सी वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स है यहाँ पे हमारे पास जो डी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट भी यहाँ पे फिक्स है जो ई वेक्टर है उसका भी इनिशियल पॉइंट वहाँ पे फिक्स है जो एफ वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट भी यहाँ पे फिक्स है जो जी वेक्टर है उसका भी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे फिक्स है इसका मतलब है हमारे पास जो एक पॉइंट है कॉमन पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है और एक पॉइंट है जहाँ पे हर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है हम ये कह अगर एक पॉइंट पे सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए पर इन सारे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं कोर निशियल वैक्टर मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर नॉन एस कोशियल वेक्टर सो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो को प्लेनर होगा और को वेक्टर होगा इसके लिहाज से आप लोग प्लेनर वेक्टर और को वेक्टर को पढ़ के आए और आप लोग हमें इसका असाइनमेंट बना के हमें ग्रुप में शेयर कर लें और हमसे ये वेरीफाई करवा लें कि आपने हमारा जो असाइनमेंट है होमवर्क है को प्लिनर और कोलनर वेक्टर इसका आप लोग हमें सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इसके लिहाज से आप लोगों का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उम्र का है आप लोग के लिए वो कोप्लेनर वेक्टर और कोलिन वेक्टर है <coughs> इन नेक्स्ट जो है पेडो में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक पे मगर ये कोप्लेनर वेक्टर और कोलिन वेक्टर आप लोगों को ये डायरी है थैंक यू अल्लाह हाफिज़